जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के बारे में, यानी कि जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है उसकी समस्या के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसी समस्या आती है, होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है आपको इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से परमानेंटली छुटकारा दिलाने में, क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो उससे जल्द से जल्द निजात दिलाने में, और कभी इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है, बिल्कुल ही यूरिन रुक जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशन आप करवा सकते हैं अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और आप पता करना चाहते हैं कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में भी हम बात करेंगे। होम्योपैथिक फॉर्मूला भी मैं इसमें आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई सिम्टम समझ में नहीं आ रहे हैं और आप मेडिसिन लेना चाहते हैं विदाउट किसी सिम्टम सिमिलरिटी के और आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाए, परमानेंट रिलीफ मिल जाए, फास्ट रिलीफ मिल जाए, तो ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप इसको पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते हैं। बीपीएच में सबसे पहला वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस, यानी ये कैंसर नहीं होता है, बस प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो रहा है, उसकी वजह से यूरिन में आपको तकलीफ हो रही है। तो एनलार्ज प्रोस्टेट जो है वो प्रोस्टेट की एक ऐसी हाइपरट्रॉफी है, यानी ऐसा बढ़ना है जो कैंसरस नहीं होता है लेकिन आपको काफी परेशान कर देता है। यूरिन बार बार रुक रुक के आना, यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप आना, पेनफुल होना, बर्निंग होना, ये सारे इसके बीपीएच के सिम्टम है। मेनली ये ओल्ड एज में होता है लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसमें मैं देख रही हूँ कि 40 के बाद ही बहुत सारे पुरुषों को ये तकलीफ होने लग जाती है, और जब हल्की फुल्की तकलीफ होती है तो उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जब तकलीफ बढ़ जाती है तब फिजिशियन के पास आते हैं। हल्की फुल्की तकलीफ में ही अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है। चीज और भी है दोस्तों बीपीएच की, कि कई बार बहुत ज्यादा इनलार्जमेंट होता है, सिम्टम्स कम होते हैं, और कई बार इसका उल्टा बहुत कम इनलार्जमेंट होता है लेकिन सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सिम्टम कम है। आप पीएसए एंटीजन जो इसका टेस्ट है ये जरूर करवा लीजिए अगर आपको यूरिन की किसी भी तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, होता पुरुषों में ही है। और जो रिस्क फैक्टर है वो है 60 अबोव एज, 40 के अबोव भी काफी देखने को मिलता है। ओबेस जो पर्सन होते हैं, थोड़े मोटे जो लोग होते हैं उनमें होता है, और सबसे बढ़िया कारण है अभी जो बढ़ रहा है प्रोस्टेट उसका सिडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि अधिकतर लोगों का काम जो है वो बैठे बैठे करके हो गया है, बैठे बैठे करते हैं, और सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि बैठे बैठे कर रहे हैं और अगर आपका काम आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है तो आप ज़्यादा परेशान होंगे, आपका ध्यान आपका सिर्फ काम में रहता है, और आपको अगर यूरिन की अर्ज होती है, यूरिन जाने की इच्छा होती है, आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हैं, सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद ये काम हो जाए उसके बाद, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के। नेक्स्ट मुख्य कारण है दोस्तों फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी प्रोस्टेट की कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। जेनेटिकली जिन लोगों को, जिनके फादर में रिलेटिव्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो आपको जल्दी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, हार्ट डिजीज है या डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। की बात करें तो दोस्तों ये जो प्रोस्टेट होता है पुरुषों में एक ग्रंथि होती है जो यूरिनरी जो नली होती है, यूरिनरी ट्यूब जो होती है उसके दोनों तरफ होती है। अगर ये किसी भी वजह से बढ़ने लग जाए तो नली पे कंप्रेशन पहुंचता है, वो नली पतली हो जाती है और यूरिन करने में प्रॉब्लम आती है, यूरिन ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा है या बर्निंग हो रही है या पेन हो रहा है या रुक जाता है और फिर अचानक से आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम जब बीपीएच के सिम्टम्स दिखते हैं तो पर्सन काफी घबरा जाता है और कई बार बहुत ट्राई करने के बाद भी यूरिन नहीं आता, तो उसकी एक छोटी सी टिप है कि अगर आपका यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं आप और आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि आ रहा है पर निकल नहीं रहा है तो घबराए ना और थोड़ी सी खांसी कर लीजिए। ये वाला जो एक्शन होता है वो कई बार उसको थोड़ा सा लूज कर देता है यूरिनरी ट्रैक्ट को और यूरिन इजीली पास हो जाता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, क्या आप मेडिसिन ले सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो टॉप रेमेडी जो है दोस्तों वो है सबल सेरोलुटा मदर टिंचर। काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद ही सबल सेरोलुटा मदर टिंचर लेके शुरू शुरू में अपने जो सिम्टम्स होते हैं उसको काफी रिलीफ कर देते हैं, काफी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सिम्टम वाइज आप अगर और भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो जो बीपीएच की प्रॉब्लम है उसको दोस्तों जड़ से खत्म किया जा सकता है। बहुत ज्यादा एडवांस कंडीशन में हो जाती है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है
तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और उसको आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक मेडिसिन लेंगे तब तक ही आराम पड़ेगा, इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो दूसरी जो मेडिसिन है जिसका मैं नाम लेना चाहूंगी वो पल्साटीला 30। ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज की जाने वाली मेडिसिन है दोस्तों। जब अपने प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के बारे में पेशेंट आपको बताने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, तो ये मेडिसिन मैंने कई बार यूज की है और काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा खुली हवा में अगर अच्छा लगता है, छोटी छोटी बात में पर्सन परेशान हो जाता है, उसका इस तरह का नेचर है, तो दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उसको दीजिए, पूरी तरह से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेडिसिन है दोस्तों एलो सोक्ट्रीना 30 पोटेंसी में। ये पाइल्स के साथ अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और अचानक ही अपने आप यूरिन निकल जाता है तो आप इसको बेशक यूज कर सकते हैं, दो दो बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है चीमाफिला मदर टिंचर। इसको एक्यूट कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। जितने भी मैं मदर टिंचर आपको बताऊंगी दोस्तों, आप उनको एक्यूट कंडीशन में यूज कर सकते हैं और इन सब मदर टिंचर को मिला के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बाकी जो मैं पोटेंसी में मेडिसिन बता रही हूँ आपको, उनके सिम्टम सिमिलरिटी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिम्टम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग आप पोटेंसी में मेडिसिन लीजिए और जो मैं मदर टिंचर आपको बताऊंगी उसका आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो मेडिसिन है उसका नाम है दोस्तों बराइटा कार्प। 6 CH पोटेंसी में यूज कीजिए। जब पर्सन बहुत ज्यादा ओल्ड एज में फिजिकली मेंटली बहुत वीक है, शारीरिक और मानसिक कमजोरी उसको रहती है, तो दो दो बूंद दिन में आप 3 बार लीजिए। कोनियम 30 आप तब यूज कर सकते हैं जब आपकी एज काफी बहुत ज्यादा है और प्रोस्टेटिक फ्लूड भी निकल जाता है स्टूल पास करते समय, और आपकी जो हाइपरट्रॉफी है वो काफी समय से है, तो दो दो बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। लाइकोपोडियम 30 आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं जब पित्त की समस्या आपको बहुत ज्यादा रहती है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, कब्जियत बनी रहती है और ऊपर का जो शरीर है आपका पतला और नीचे का थाई एरिया जो है, हिप एरिया जो है वो थोड़ा सा फूला हुआ है, दो दो बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। प्रोस्टेट की किसी भी तरह के आपके सिम्टम आ रहे हैं तो वो पूरी तरह से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्रोस्टेट की किसी भी तकलीफ के साथ अगर आपको बर्निंग हो रही है तो कैंथेरेस 30 दो दो बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, पूरी तरह से आपकी प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बर्निंग भी खत्म हो जाएगी। जब मदर टिंचर आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको नाइट में यूरिन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। सरसा परिला मदर टिंचर आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं जब पेन बर्निंग आपको ज्यादा हो और रेड कलर का या सैंड ऐसा जैसा कुछ यूरिन में आ रहा है या यूरिन का कलर आपका थोड़ा खराब है, तो 10-10 बूंद इसकी आधा कप पानी में दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। सारे मदर टिंचर दोस्तों आपको 10-10 बूंद ही लेने हैं। लगभग सारे मदर टिंचर का जो डोजेज है वो 10-10 बूंद ही होता है और आधा कप पानी में ही लेना है, इनको डायरेक्टली ऑन टंग नहीं लेना होता है। चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक फॉर्मूला की, कि क्या फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई सिम्टम समझ में नहीं आ रहे हैं और आप अपने प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है फेरमपिक 3X मेडिसिन। इसको ये बायो कॉम्बिनेशन में आती है और उसको आपको दो दो टेबलेट दिन में 3 बार लेनी है। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो एक कॉम्बिनेशन है, इसमें मैंने आपको जो भी मदर टिंचर बताया उनके वर्क में आपको बता चुकी हूँ। इन सभी मदर टिंचर के पांचों के आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, सबाल सेरुलटा मदर टिंचर, चिमाफिला मदर टिंचर, सरसा परिला मदर टिंचर, परेरिया ब्रावा मदर टिंचर और इक्विसिटम मदर टिंचर। इनको आपको सबको मिलाना है और फिर 20-20 बूंद आप दिन में 3 बार करके इसको लीजिए फेरमपिक 3X टेबलेट के साथ। और जो मैंने सारी पोटेंसी बताई आपको 6 CH पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में, उनमें से आप 1 या 2 मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं जिनसे आपके सिम्टम्स एग्जैक्ट मिल रहे हैं। आपकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में ना केवल आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा बल्कि अगर आप सही सिम्टम चूज करके अगर सब मेडिसिन यूज करते हैं तो आपकी जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो परमानेंटली भी क्योर हो सकती है। आप काफी सारी होम्योपैथी मेडिसिन खाकर थक चुके हैं और आपको प्रोस्टेट में आराम नहीं मिल रहा है या थोड़ा बहुत आराम मिलता है फिर वापस हो जाती है, तो सल्फर 200 की एक डोज आप वीकली ले सकते हैं और उसके बाद दूसरे होम्योपैथी मेडिसिन चेंज कर सकते हैं, या तो मैंने जो बताई है वो ले सकते हैं या फिर और कोई मेडिसिन ले सकते हैं। तो आपकी जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है ना केवल उसमें परमानेंट रिलीफ मिलेगा बाकी जो रिकरेंस हो रहा है, थोड़ा आराम मिल रहा है फिर वापस प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप मुझे जरूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़िए रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।